नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर भरे मन से इशारों ही इशारों में यह कह दिया कि लड़ाई झगड़े औरतों की वजह से होते हैं और मरता आदमी है। मौका था राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत लगाए गए 7 दिवसीय शिविर का, जो कि शासकीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा था, जहां मंच से विधायक पन्नालाल शाक्य ने दो उदाहरण देते हुए बताया कि औरतों की वजह से ही झगड़े होते हैं, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में आदमी मारे जाते हैं। विधायक ने कहा कि पहला झगड़ा रामायण के समय में माता सीता की वजह से हुआ था और दूसरा झगड़ा महाभारत युद्ध में हुआ, जो कि पांचाली की वजह से हुआ था। वहीं विधायक ने यह भी कहा कि आजकल जो नई परिपाटी शुरू हो गई कि पहले बॉयफ्रेंड बना लो फिर उसको राखी बांध दो, उसके बाद लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए भी छोड़ दिया जाता है। समस्या पर है कि विधायक पन्नालाल शाह के छात्राओं को क्या ज्ञान देना चाह रहे थे, जो कि एक तरफ बोलते हैं कि धर्म के लिए लड़ाई हुई वह भी महिलाओं की वजह से, और दूसरी तरफ कहते हैं कि लड़कियां पहले बॉयफ्रेंड बनाती हैं फिर भाई। ऊर्पनखा के लिए युद्ध नहीं हुआ, सीता के लिए युद्ध हुआ और लाखों लोग मारे गए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपन प्रकृति के एक बहुत बड़े हिस्से है, इसलिए अपने को सुंदर स्वच्छ और आकर्षक बने रहना चाहिए। ये सारे टिप्स आप अपनी माँ से लेना, अपने प्राचार्य से लेना। एक महिला लड़ाई होती है, युद्ध होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, तो साधारण महिला नहीं थी। ये तुलना करें अपन, बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हो गया। अब आप बात आपने तो पता नहीं कहाँ की बात लेके बैठ गया। दूसरा ले लो ना, महाभारत में पांचाली एक श्रेष्ठ महिलाओं में प्रथम श्रेणी की जो महिलाएं होती उनमें से वो एक थी। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं। जब वो स्नान करती थी ना नीलों, उसके जिस वो हौज में नहाती थी, गुलाब के गंध की उस हौज से हवा जाती थी तो गुलाब की गंध की सुगंध आती थी दूर तक। ऐसी श्रेष्ठ महिला थी, उसको भी अपमान हुआ और लड़ाई हुई उस महिला के पीछे। उसका जो अपमान हुआ, मरे कौन? आदमी मरे, आदमी। महिला है कोई नहीं मरी, ना महिला है जहाँ मरी, ना महिला है वहाँ मरी। और मानवीय सदगुण थी उसके अंदर, उसने इतना विकास किया था कि लाखों लोग मारे गए और उसका ये परिणाम हुआ कि धर्म की स्थापना हुई। हम अपने मित्र बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, और बॉयफ्रेंड बनाने के बाद श्रावण तो आया नहीं है और हमने उनको राखी बांध के लो। तो ये मानवीय सद्गुण है क्या? ये मानवीय बहुत बड़ा दुर्गुण है। हमने तो राखी बांध दी उसको विश्वास में, या हमारे कुछ कोई भी बात होगी, मेरे को ज्यादा उसको उजागर नहीं करना, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ समझ में आना चाहिए। हमने उसको बॉयफ्रेंड बना लिया, श्रावण आया नहीं, हमने उसके पहले राखी बांध दी और धीरे धीरे बात और आगे बढ़ी, हम उसके पीछे चले गए और वो हमको किसी कोठे पर बेच आया। ये मानवीय सद्गुण नहीं है, मानवीय बहुत बड़ा दुर्गुण है, दुर्गुण है। तो मैं आपसे ये दुर्घटनाक्रम बताए हैं, मैंने आपसे आपको दुर्घटनाक्रम बताए हैं कि महिला एक, झगड़ा होता है मरे आदमी, महिला दूसरी, झगड़ा होता है मरे आदमी। महिलाएं नहीं, महिलाएं कोई नहीं, महिला तो सुरक्षित रही। फिर कोई बात कह रहा हूँ, बाजार में नहीं मिलते ऐसे सद्गुण। जीजा माँ ने अपने बेटे शिवाजी को रामायण और महाभारत की कथाएं शाम के समय दीपक में बैठ के सुनाया करती थी कि बेटा तुम ऐसा बनने की कोशिश करना। तो शिवाजी कहते थे, आई साहब मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा ऐसा बनूं। अपन ऐसा बता सकते हैं कि अपने भाई बहनों को? उनकी चर्चा करनी चाहिए, उन सद्गुणधारियों की चर्चा करना चाहिए जिनकी एक एक गुणों के धारण करने से वे पूजनीय हो गए। हमारी भी लोग पूजा करें तो हम अपने आप में ऐसा कुछ विकास कर सकते हैं क्या? तो ऐसा अगर विकास कर सकते, उसी क्रम में ये राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर चलते हैं। एक दो दिन, 7 दिन का शिविर क्यों किया? अगर कोई डाई होती, डाई का मतलब समझ गए ना, सांचा। आप सब कोई एक करके 15-20 मिनट में वो सांचे में बिठा के और कह देते चलो हो गए सदगुण संपन्न, निकाल दिया।
तो 60 दिन की जरूरत क्यों पड़ती, सब काम एक ही एक एक 15 सबके साथ एक 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 मिनट, बाद में 15-15, 20-20 मिनट हो जाते और अपन सब एकदम। स्थानीय जयस्तंभ चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि वैलेंटाइन डे, जो कि पाश्चात्य संस्कृति भारत में युवाओं के द्वारा अपनाई जा रही है, इसके विरोध में स्थानीय चौराहे पर पुतला दहन किया गया। वहीं आक्रोश जताते हुए कहा कि यदि वैलेंटाइन डे पर किसी भी तरह की कोई अश्लील हरकत किसी भी मंदिर या कहीं भी देखी गई तो उसका दंड बजरंग दल के कार्यकर्ता उसी जगह पर स्वयं देंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला गुना वैलेंटाइन डे का जो षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, भारतीय संस्कृति के खिलाफ, जो विदेशों द्वारा शुरुआत किया गया है, इसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गुना बिल्कुल सहन नहीं करेगी। 14 तारीख को रोड पर जो भी अश्लील हरकत करते पाया गया उसको सही करने का काम बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। हमारे धार्मिक जो मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिकता की पहचान है हिंदुओं की, वहाँ पर कोई भी गलत हरकत करते पाया गया उसको अपने हिसाब से बजरंग दल दंड देने का काम करेगी। फरवरी को मनाई जा रही है संत श्री गाडगे जी की जन्मतिथि। इसी मौके पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ के बैनर तले अभी से आयोजित हो रही हैं प्रतियोगिताएं। इन प्रतियोगिताओं में जीतने वाले प्रतिभागियों को संत गाडगे जी की जन्मतिथि के अवसर पर मनाए जाने वाले कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। इसी तारतम्य में आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ युवा प्रकोष्ठ गुना के नेतृत्व में प्रतिभा निखारो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के 150 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में रंगोली, मेहंदी, चित्रकला एवं निबंध की प्रतियोगिता रखी गई। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कारों का वितरण संत गाडगे जी की जयंती के अवसर पर 23 फरवरी को किया जाएगा। चप्पल पहन ले भैया। अरे हम देर में आए हुए हैं। बेटा इधर दिखाओ, दोनों हाथ इधर दिखाओ, उधर इधर मुंह करते हैं, इधर मुंह करो बेटा। आज संत गाडगे जी की 23 फरवरी को जयंती के उपलक्ष्य में समाज के हमारे जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से पिछले 6 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय धोबी महासंघ युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में हम लोग ये प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये प्रतियोगिता का आयोजन रखा गया है, जिसमें आप लोग देख ही रहे हैं बहुत अधिक संख्या में समाज के छात्र छात्राओं ने, तो बच्चों ने अधिक संख्या में भाग लिया है। मेहंदी, चित्रकला, निबंध और रंगोली 4 इवेंट हम लोगों ने आयोजित किए। आज जो बच्चे यहाँ उपस्थित होकर प्रतियोगिता में भागी हैं उन्हीं बच्चों को जूरी द्वारा सेलेक्ट कर उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पुरस्कार का वितरण 23 फरवरी संत गाडगे जयंती पर किया जाएगा।
नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारी काफी समय से लामबंद हैं। इसी को लेकर आज बैठक का आयोजन स्थानीय स्वतंत्रता पार्क में किया गया। इस बैठक में सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सरकार के ऊपर दबाव बनाना था ताकि वह जल्द से जल्द इन कर्मियों को नियमित करे। वहीं अगर नियमितीकरण नहीं किया जाता तो समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी आगामी समय में होने वाले कोलारस एवं मुंगावली में मतदान को प्रभावित करेंगे और भाजपा को हराने की भरसक कोशिश करेंगे। इसके बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को कोई भी वोट ना दे। ये समस्त विभागों के संविदा कर्मचारी है और हमारी एक ही मांग है कि हमें सरकार जल्द से जल्द नियमित करे। क्या और आगे अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या कदम होगा आपका? हम मुंगावली और कोलारस दोनों चुनाव को प्रभावित करेंगे और 2018 में बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। क्या नाम है आपको? शिवराज सिंह भदौरिया, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, समस्त कर्मचारियों की तरफ से। समाजवादी पार्टी की आम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विचार किया गया एवं नियुक्तियां की गईं। वहीं बिना बैठक के जो भी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी उन्हें भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया। साथ ही इस बैठक में आगामी समय में पार्टी विस्तार को लेकर रणनीति बनाई गई, जिसके तहत विचार विमर्श किया गया कि किस तरह से आम सभाएं ली जाएगी एवं लोगों में अपना संदेश कैसे पहुंचाया जाएगा। पब्लिक की जो समस्या है उन समस्याओं को लेकर आंदोलन हमारे जारी होना चाहिए, चाहे भगोड़ी हो, चाहे रावण हो या बुनाव कोई भी। मैं कहता हूँ छोटे पदाधिकारी तो जो है पार्टी के साथ समर्पित है। हकीकत कहेंगे कि इस तरीके से अपन को आंदोलन करना है, आप समस्याएं लाओ, समस्या जो था पब्लिक लाइए आप अपनी, तो हम पब्लिक लाएंगे ना। देखो आज समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई एवं नियुक्तियों पर बिना प्रदेश कमेटी के जनसभा नियुक्तियों पर पूरी रोक लगाई गई है और जो नियुक्ति बिना मीटिंग की गई उनको नष्ट किया गया है। मीटिंग में नियुक्ति की जाएंगी और समाजवादी पार्टी को संगठन में तेजी से विस्तार में लाया जाएगा। पूरे ब्लॉकों में कार्यक्रम किए जाएंगे, आम सभाएं होंगी। प्रदेश अध्यक्ष जी भी इस महीने आगमन हो रहा है उनका और अखिलेश जी का कार्यक्रम भी बहुत जल्दी मध्य प्रदेश में लगने वाला है। सुबह से ही मौसम का मिजाज ठीक नहीं था। रात भर से चली आ रही बूंदाबांदी के चलते किसानों के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। वहीं आमजन भी यह सोचकर परेशान था कि घर से बाहर निकले तो कैसे। सुबह से ही रह रहकर बूंदाबांदी भी चली आ रही थी, जिसके चलते आम जनजीवन पर भी खासा असर देखा गया, जिसके चलते बाजारों में भी रौनक नहीं दिखी। बूंदाबांदी के चलते मौसम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं विशेषज्ञों की माने तो इस बारिश से फसलों को काफी नुकसान होगा, क्योंकि इस समय में खेत में धनिया और चने की फसल तैयार खड़ी है। बीना से गुना आ रहे दंपत्ति का हुआ पगारा के समीप एक्सीडेंट। बता दें कि बीना से गुना की तरफ आ रहे सोनी कॉलोनी निवासी सौरभ जैन का अचानक एक ऑटो में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते ऑटो एवं इनकी कार में काफी नुकसान हुआ। वहीं ऑटो में बैठी सवारियां भी बुरी तरह से चोटिल हो गईं। सौरभ जैन के अनुसार वह बीना से गुना की तरफ आ रहे थे और रास्ते में खड़े ऑटो में उन्होंने पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो एवं उनकी कार दोनों क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं कार में सवार महिला एवं बच्चों को भी चोटें आई हैं, जिसके बाद 108 को कॉल किया गया जो कि काफी देर बाद घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया जहां इनका इलाज किया गया। मैं बीना से आ रहा था गुना की ओर, ये बीच रास्ते में ऑटो खड़ी हुई थी
और ना तो उसने इंडिकेटर दिया है और ना ही साइड में गाड़ी खड़ी किया हुआ था, तो उस ऑटो से मेरी गाड़ी टकराई है। आपको या घर साथ में कौन थे उनको किसी को चोट लगी है? मेरी वाइफ और दो बच्चे हैं, मेरे वाइफ को चोट लगी और छोटी बच्ची को, बड़ी बच्ची के हाथ में चोट लगी हुई। आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं? सौरभ जैन, सोनी कॉलोनी। डीजीएनए न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।